वेलकम बैक डियर स्टूडेंट तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंटरी एसेसरीज जो हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं या फिर इन्वेंटरी में एसेसरीज यूज़ किए जाते उसके रिलेटेड यह पूरा कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे उसमें आज हम लगभग ट्वेंटी एम सी क्यूज कवर करने वाले हैं जिसमें से कुछ चांसेस है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कोई एम सी क्यू आ सकता है या फिर बहुत बार इससे ही पूछे गए हैं कुछ कुछ एम सी क्यू तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला एम सी क्यू है हमारा इज़ अ ब्लेड विथ एन इंटरचेंजेबल हैंडल सिस्टम इंटरचेंजेबल हैंडल सिस्टम है उस ब्लेड में तो कौन सा ब्लेड हो सकता है वो स्काल्पेल हो सकता है सीजर हो सकता है फोर्सेप हो सकता है फिर प्रोटोस्कोप हो सकता है तो कौन सा हो सकता है वो ब्लेड तो वह ब्लेड है हमारा स्काल्पियल स्काल्पियल इज द ब्लेड विथ एन इंटरचेंजेबल हैंडल सिस्टम देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू स्काल्पेल आर यूज फॉर स्काल्पेल जो रहते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं तो स्काल्पेल आर यूज फॉर कटिंग डायसेक्शन इंसिजन एंड टू होल्ड अ स्वैप तो स्काल्पेल किस लिए यूज किए जाते हैं इंसिजन ऑप्शन नंबर सी देन क्वेश्चन नंबर थ्री सीजर्स आर यूज फ्रीली एट अ प्लेस वेयर देयर इज अ नो रिस्क ऑफ़ एन इंजरी टू द वाइटल स्ट्रक्चर सीजर्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर वाइटल स्ट्रक्चर को कोई भी रिस्क नहीं मतलब उससे डैमेज नहीं पहुँचना चाहिए तो कौन से सीजर रहते हैं वो स्ट्रेट पॉइंटेड सीज़र स्ट्रेट ब्लंट सीजर कर ऑन द फ्लैट सीजर या फिर एंगल ऑन एज सीज़र तो कौन से सीजर रहते हैं वो वह रहते हैं स्टेट स्ट्रेट पॉइंटेड सीज़र मतलब ऑप्शन नंबर ए देन क्वेश्चन नंबर फोर इज़ यूज वेयर देर इज़ अ रिस्क ऑफ डैमेजिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो वहाँ पर यूज़ किए जा ऐसे सीज़र जो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहते हैं मतलब जैसे किडनी हो गया या फिर हार्ट हो गया वहाँ पर वो सीज़र यूज़ किए जाते हैं तो कौन सा सीज़र है वो स्ट्रेट पॉइंटेड सीज़र है कर फ्लैट स्टीजर है या फिर स्लंट ब्लंट सीज़र है या फिर एंगलॉन सीज़र है तो कौन सा सीज़र हो सकता है वो वह रहता है स्ट्रेट ब्लंट सीज़र मतलब ऑप्शन सी इसका और तीसरे वाले का स्ट्रेट पॉइंटेड सीज़र देन क्वेश्चन नंबर फाइव आर यूज टू होल्ड द टिश्यू फॉर द ट्रैक्शन और द अपोजिशन तो ऐसा ये रहता है इंस्ट्रूमेंट जो कि टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है कौन सा रहता है स्काल्पेल सीजर प्रोटोस्कोप या फिर टिश्यू फोरसेप तो कौन सा यूज किया जाता है वही यूज़ किया जाता है टिश्यू फोरसेप देन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच फोरसेप आर यूज टू होल्ड अ पेरिटोनियम पेरिटोनियम जो लेयर रहती है उसे होल्ड करने के लिए कौन सा फोरसेप यूज किया जाता है एलिस टिश्यू फोरसेप लेन टिश्यू फोरसेप रुदरफोर्ड मॉरिसन टिश्यू फोरसेप या फिर बैककॉक टिश्यू फोरसेप तो कौन सा फोरसेप यूज किया जाता है तो वह यूज किया जाता है रुदरफोर्ड मॉरिसन टिश्यू फोरसेप देन क्वेश्चन नंबर सेवन इज फॉर यू विच इंस्ट्रूमेंट इज एन गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट गायनोकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज किया जाने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है चार ऑप्शन है चारों में से एक जो है वो करेक्ट रहेगा वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है देन क्वेश्चन नंबर एट यूज टू होल्ड द कॉर्नर ऑफ एंड ड्रेसिंग सीट ड्रेसिंग सीट का कॉर्नर होल्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है प्रोटोस्कोप शार्प क्यूरेट या फिर टॉवेल क्लिप या फिर ब्लंट क्यूरेट तो क्या हो सकता है उसका करेक्ट ऑप्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दैट इज द ब्लंट कुरेल देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू चेक द ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड एज जो ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है तो वह इंस्ट्रूमेंट क्या ग्लूकोमीटर है क्या या फिर ई सी जी मशीन है या फिर एक्सरे मशीन है या फिर थर्मोमीटर है तो वह है ग्लूकोमीटर ऑप्शन नंबर ए देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन रे जनरेटिंग बीम इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जो रे जनरेटिंग बीम रहता है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है सिटी स्कैन का नेबुलाइजर का ईसीजी मशीन का या फिर एक्सरे मशीन का तो किसका रह सकता है वो वह रहता है हमारे सिटी स्कैन का जहाँ से रे जो है वो जनरेट होती है देन क्वेश्चन नंबर एलेवन आर यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन द डिसऑर्डर्स ऑफ लैरिंग्स ट्रकिया लंग्स एज वेल एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ एन रेस्पाटरी सिस्टम तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन ये भी मुझे आप को कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या हो सकता है मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज अन सपोर्टिव एडजुवेंट टू द रेस्पिरेटरी थेरेपी रेस्पायरेटरी थेरेपी के लिए यूज़ किया जाने वाला एडजुवंट्स कौन सा है तो ईसीजी मशीन एक्सरे मशीन नेबुलाइजर वेंटिलेटर तो कौन सा हो सकता है वो वह होता है वेंटिलेटर देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी हेल्थ एसेसरीज आर हेल्थ एसेसरी कौन कौन सी है व्हील चेयर वॉकर केन्स या फिर ऑल ऑफ दिस तो कौन सी हो सकती है वह वह होती है हमारी ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है देन उसके बाद एम आर आई किसे बुलाया जाता है एम आर आई इज ऑप्शन आपके सामने चार है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैग्नेटिक रेडिएशन इन्वेस्टिगेशन मिनिमम रेडिएशन इमेजिंग और मैग्नेटिक रेडिएशन इमेजिंग तो क्या हो सकता है एमआरआई का करेक्ट ऑप्शन तो एमआरआई का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग देन नेल्सन सीजर आर यूज मेनली यूज फॉर जो नेल्सन सीजर है वो यूज़ किए जाते हैं ब्रेन सर्जरी सर्जरी के लिए बोन सर्जरी के लिए थोरासिक सर्जरी सर्जरी के लिए या फिर नना तो नेल्सन सीजर किसके लिए यूज़ किया जाता है तो नेल्सन सीजर यूज़ किया जाता है हमारे ट उसे, उसे करने के लिए कौन सा टेक्निक द्वारा किया जाता है बायोप्सी लिथोपेप्सी या फिर लैपोरोस्कोपी या फिर नना पबो तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर सेवन सेवनटीन हिमाटिनिक्स फोरसेप्स आर यूज फॉर हिमोस्टैटिक सॉरी हिमोस्टैटिक फोरसेप जो है वो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए टू चेक द ब्लड फ्लो फ्रॉम वेसल टू मेक द इंसिजन एंड टू होल्ड द टिश्यू या फिर ऑल ऑफ दिस तो क्या हो सकता है हिमोस्टैटिक फोरसेप किसके लिए यूज किए जाते हैं तो हिमोस्टेटिक फोरसेप यूज़ किया जाता है टू चेक द ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेसल देन क्वेश्चन नंबर एटीन आर यूज फॉर द ड्रेनिंग आउट ऑफ आउट द यूरिन फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हो सकता है फुले कैथेटर्स या फिर रेल ट्यूब या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नना पबो तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन तो फुले कैथेटर्स आर यूज फॉर द ड्रेनिंग आउट द यूरिन फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी देन क्वेश्चन नाइनटी एक्सरे मशीन इज यूज फॉर एक्सरे मशीन किसके लिए यूज की जाती है टू रिकॉर्ड द इमेज इमेजेस ऑफ द इंटरनल एबनोमिनल ऑर्गन टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ हार्ट टू टेक द इंटरनल फोटोग्राफ्स ऑफ बॉडी या फिर ऑल ऑफ दिस तो किसके लिए यूज किया जाता है एक्सरे मशीन टू टेक द इंटरनल फोटोग्राफ ऑफ द बॉडी देन क्वेश्चन ट्वेंटी द लास्ट क्वेश्चन स्पिगमो मैनोमीटर इज यूज फॉर यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड